सवेरे संगठन का संत जीते हैं कि जहाँ छोटा सा दान मत्था दे के मूर्ति चलेगा उन्होंने का तरीका होगा बारह आके मत्था दे के जो कथाम है उसे बैठने चाहिए तो अपने मुस्लिम ने बड़ा पाया होगा अपने रेजिडेंट का संता जी रहा है किसी भी सो बड़े प्यार के सत्कार में बैठना चाहिए शरीर भी ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जब हरकत में देख करके सारी संगठनों के आ गए तो उससे पास चला जा रहे हैं तो तीर्थ से कथा हमारे पास धरती चार चले जा रहे ऐसा नहीं कर होना चाहिए तो सतगुरु गरीब में सत्य पाठशाली जो बख्शिश कर दें तो प्रेम सुनो तो फोटोग्राफी का मैंने भी बेनती करेंगे तो लगातार जो उपासन कर भगवान में दर्शन कर रहे हैं जो खन सामने पीते हैं गद्दा पत्नी सामने सो हमारे कृपा कर्म के साथ याद दर्शन जो पानी पाशन समझे सुनो का दर्शन है सतनाम श्री वाहे गुरु जी और महला पंजवा सार पूजा नाथ गर्भ महा अपन सिमरन दे बच्चे पानी पाचल फरमाते हैं दूजे घर सरकार के अंदर अकाल पुरख परमेश्वर कैसा है उसके चरणों में बेनती किसी करनी है वो समर्थ है सर्वशक्ति मोल है नाक गर्भ में अपने सुमरण दे माता के गर्भ को भी व्यक्ति अपना सुमरण दे के तुम्हें आप भी रखने वाले हरे परमेश्वर वाहेगुरु सागर अथाह लहर में आगरू अगना बड़ा भारी सागर समुंदर अथाह डूंगा एरिया लहर में व्यक्त तार तारन हारे परमेश्वर कृपा करके तार मारे होकर के शरण प्रारण है आप मुला रूप होकर के शरण मूर्ति रूप किनारे के शरण प्रारण है आप मुला रूप होकर के शरण मूर्ति रूप किनारे के ला दे दें हर एक प्राणी का प्रश्न होता है काम करके पढ़े लिखना तो बहुत ज्यादा बढ़िया काम है सो सतगुरु के पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं जरा मौके पर लोगों ने ना किया हो ऐसा कोई नहीं होगा जो सतगुरु ने उत्तर में दिता हो किड्डा भी वे तो वाला कोई फिलोसफर है किड्डा वे तो वाला कोई कानून का कोई बहुत तरीके वाला है कोई प्रश्न भी करे जिस गुरु की बाणी के अंदर क्या है कि बाणी की जानकारी है ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो उत्तर में आ गई कई नवे नवे लड़के है बाबा जी एक नवे प्रश्न करना कई सैकड़े वगैरह जो आया होंगे उसके वास्ते ठीक है नवे होंगे है आम लोग कहेंगे हम संत जी जो कथा भी सुनी चलिए कीर्तनी सुनी चलिए वाहेगुरु ने जाप करी जाइए तो खेड़ा मर जाएंगे या कमाई ना करिए हम तो इन नजारे करने हैं तेल महंगा हो गया बिजली महंगी हो गई इनी कमाई कर दिया चंगे बीज बीजने सारी रोटी पूरी नहीं होंगी फिर थोड़े अच्छे अठ लाख के बीज भी बन जाइए फिर रोटी दे देगा कौन सतगुरां ने पास भी प्रश्न उठा सी महाराज को जी करे चंगी नौकरी उत्तर रखा हुए भाई और वाहेगुरु अकाल पुरख प्रबंध हो जा कर देगा जिह के जीव हाल है वह जो का प्रबंध बंदोबस्त परमेश्वर ने किया हुआ है महाराज सारी बाणी पर फिर प्रबंध की होगा गुरु गरीब नाज ने उत्तर दिता है नदियां होगा ढेड़वा सुरम होगा दुध धीर सभी धरती सकल होगा खुशी करे नीव महाराज कहते जितनी पाई नदियां पानी दिन बढ़ रही है ये सारियां वाहेगुरु परमेश्वर दुध दिन बढ़ा देगा एक कोई नास्तक बैठा से वो उठ के कह लगा जी सादा नहीं चौगी चाहिए सुखी रोटी रंगी नहीं महाराज कहने जरा समुद्र है दुध से चौड़ा परमेश्वर बना देगा तो तीजा एक होर से कहा उठ के खड़ो गया कह लगा महाराज एक घ्यो जरा बता जा होंगे पर ताकत वाला पर मिठी दिन खादा नहीं होना मिठा भी चाहिए महाराज कहने सर्वी धरती सत्तर हो गया जितनी धरती पे बैठे हैं कन्ना कदिया मंदिर सारे जा रहे हैं ये सारी शक्कर की मिश्री खंड भी वाहेगुरु बना देगा तो खुशी करे नित जीवो जिन्ना तेरा चित करे ला के खा जा करिए ना घर वाले टुटनी पवे ना कोई एजुकेशन करनी पवेगा किसी मजाक पवे तो ना कोई काम का विधान हो गए
सारे भजन करो पलवेखो तो सी करके कड़िया तो रही है जी पांच मिनट टुकड़ो भी भजे जाने घर यह बाबे तो हड़दे नहीं बीलने का काम है कल की गल कलोनी वाला तो मैं नाम ही याद रहा है और जिसे पढ़िया लिखा की कलोनी से अभी इस तरह की कलोनी से गए एक थान कहते नौकरी पेशे वाले बहुत उसे कथा प्रबंध की खलोत से प्रचार किया मैं तो घड़ी देखनी नाल दसा कहते दो घंटे का लगभग टाइम लग गया से एक बिरध माता उसे बेचारी बाहर आई कहते चंदा साहब है पहला तो आया ही पछड़ गई जी आया तू हटदा ही नहीं था किन्ना टाइम हो गया बैठे हुए तो ऐसी हालत है कथा कुर्नी किन्नी होती है पुलिस वाले भावे महीना फड़ के बता छे उस हिलते भी है तो खास कर सतगुरु परमेश्वर जरा बंदोबस्त हो रहा कर देगा जो जो बन जावे जे तू मेरा होगा सब जग तेरा हो महाराज कहते परमेश्वर सतगुरु फरमाते हैं आई जो प्रसादा बन जाए सारा संसार ही तेरा बन जाए इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब आप सिख बनिए बंदिया ने तेरे चाचले बन वाला सुभाग ना बनाओ एडा वड्डा प्रबंध कर देगा रतपाल माता उधर राखा लगन देखना सेक सोई स्वामी इना राखा गुड बुद्ध विवेक सो खालसा जेगा माता भी उधर जरा बच्चे जन्म लैन के जन्म होंगे रोड खादे हुए पत्थर खादे हुए और भाषण हो जाते सुह बन जाते हैं पर बच्चा कौमन फुल वर्गा चरू वर्गा नरम हों ओन सेक नहीं लगन दिता कोई पालना कर दे तू काले डोला प्राणिया तू दराखा या सरहार दिन पदायस तू किया सोई दे आधार घाट मालक दिलों का सत्या कर उन्नी जल मारे पंच बार पंख कीर्तन मारी पूर्ण परमानंद मनोहर समझ वेख मर समझ वेख मर मारी पापन पेट भुगत हो जो मार्ग नाही कहा करना पूर्ण ताहू को मात्रे दी कछो कमी जी है और पानी कहते काना आंडे का काना पुत्र का भी होंगे काना शरीर का भी होंगे है तो जरा आंडा है वह बाहर होंगे नरेर किनारे से ध्यान के नाल कछो कमू पका के बच्चा कड़ लेंदा है और फिर वो बच्चा निकल के पानी के बच्चे पूरे पास ही आ जाता है पर पंख खेत नाही उन्नी जल मैं पंख बार पंख खेत ना पंख नाम पंछी का खेर नाम है दुद्ध का कदे पंछियों ने थल लंक देखे किसी ने दुद्ध चुनाव वेखा किसी पंछी ने पर दुद्ध बिना बच्चा पढ़ता नहीं तो उन्होंने परमेश्वर ने प्रबंध ही होगा कर दिता कि वह नवा हो जा बनाता पालना उन्होंने भी करता है तो पाखन कीट गुप्त हो जाता है पाखन नाम है पत्थर का कीट नाम है केड़े का गुप्त नाम है छिपे लुके हुए हैं अड़ा पत्थर उठ हाथ में चले ना तू किस करें जो पाए सारा तना तू रोजी दे पत्थर च पैदा करके सैल पत्थर में जंत्र पाए ता कर एक आजा कर धरिया सो खालसा जो शक्कर खोर एक चूड़ा है वह बारह महीने शक्कर खादा रहा पत्थर पर ना उसे कोई दुकान चल रही ना फैक्ट्री खुली ना कोई खेती बाड़ी का काम होंगे तो बारह महीने शक्कर परमेश्वर देंगे है तो जे पाई वो कीड़े पत्थर बैठे हुए शक्कर मिल सकते तो मनुख तू कहे वास्ते बोलते हैं अरे आप पशु होंगे है उन्होंने कोई खेते हिस्सा नहीं भाव कमाई नहीं कोई करते सब कोई फैक्ट्री नहीं खोली आप पंछी उदे करते हैं कोई दुकान च कपड़े खोली तो उन्होंने भी नहीं मिल जाता है तो जे तू मनुख भरोसा रखे जितने रखे गुरु को बन के तेरे तेरे कार भगत परमेश्वर की कृपा हो जाए तो बेनती करिए वाहगुरु माता जी उड़े सानू सोन वर्गिया तिरू वर्गिया नर्मा नु रखने वाला है कृपा करके संसार रूपी समुन्द्र जो अग का भरिया होया है इस तारण वाले हो करके सानू तार लो जिस तरह सो जहाज समुन्द्र के इतनी जाते है कलकत्ते बंबई वाल वेख्या बंदना हो कि जहाज में किसान का खतरा पैदा एक तो चटाणा तो बचाना पैदा जल जंतुआ तो बचाना पैदा है लहर तो बचाना पैदा है सो जी कंपास सूई है वो धूम तारे वाल सीधी होंगे है जेड़ा सो कप्तान है उस परेड़ के अपने ख्याल मुताबक उस सूई की सेह रख के किनारे वाल लैके जाता है एक बड़वा नाल अग्नि है समुद्र वो तो भी बचा पैदा और बड़वा नाल अग्नि के थले अकिरत कनारे सर फाड़े जाते हैं
100 गज तक 4 सफेरे दूर तक 100 गज की दूरी तक जो समुद्र चलता है जहाज कितने उस लपेट में आ जाए भावे कितना वड्डा जहाज हो गया भार के पानी बनाने इना भारी सेफ हों सो पानी जिम्मे तवे उपर पाई तत्ते गर्म से सड़ जाने पानी की बूंद पाई हुई इस तरह समुद्र का पानी उस हद उपर पै के सड़ रहा है सो खालसा जी उस भी बचा पैदा है जो सियाना कप्तान है उस जहाज में इन्हों सारिया चीजा तो बचा के अपने किनारे से लै जाता है इस तरह ही जिंदगी रूप जरा जहाज है सो इस किनारे से लाने वास्ते जतन करना चाहिए है सिख वास्ते पाप के सागर कथा लहर में तारो तार नारे सो जो संसार समुन्द्र पदार्थों ने मोह रूपी पानी का भरिया हुआ है कृष्णा रूपी बड़वा नाले अग्नि मच रही है सो इस काम करो लोह मोह हंकार आदि जल जंतु हैं पांच कोसा रूपी पहाड़ हैं आशिया रूपी लहर हैं इसको बचाने वास्ते जीव आत्मा रूप कप्तान है दे रूप एक लिहाज है जंगली रूप इन मूर्ति रूप किनारे को लाने वास्ते सो खालसा जी परमेश्वर का प्रेम रूपी सपू ला के जाए गलती है कंपास सोए प्रभुकारी तरह अकाल कौन परमेश्वर ओर वाल जोड़ के रखना चाहिए है जेड़ा उधर जोड़ के रखे और इस जीव रूप जंगली रूप जहाज न मूर्ति रूप किनारे को ला करके सत्र हो जाता है सो सतगुरु गुरु निवास सच्चे पातशाह जी ने निशान साहब के गुण दसे हैं ओले वस्तु मिलती है खालसा जी निशान जेडे है कौमां दे हमेशा दे झूलते हैं जेड़िया कौम मर मिटन जा कौम मर के अपना हक लेंदिया हो उन्होंने कौम के निशान झूलते बाकी नहीं आपका इंटरव्यू लेंगे से कई बेले और कहने ये सिख है कोई कौम सिख कौम है नकाम वक्री कौम है एक कौम है उन्होंने पता नहीं तीन दिन अखबार लिखे कहो गल लिखा कि आई रेडियन सवेर में पंडाल है कहते कौम ही नहीं और सिख कौम पहले एक वक्री कौम है ये वक्री कौम बही क्यों है इन बनाया गया वैसे तो अभी सारे इको ही पर इन्होंने वक्रे कर दिता गया कि जो लोग वक्रे हुए हैं वो ये बच्चों निकले हैं मैं कई जगह बेनती की है दुनिया में सिख तो बिना जमदा ही कोई नहीं है जो केसदार कृष्ण जी जो है केसदार रामचंद्र है केस रामचंद्र जी जो है ईसा जी मुहम्मद जी मूसा जी इब्राहिम जी इन्होंने सारे के केस है दसों संतों के केस है और भाई दल के सारे पैगंबरों के देवी देवता के केस है और सोचना चाहिए भी जो केस माड़ी की होंगी कोई नहीं पेरे पर अपने कटवाना केस है इस वास्ते दुनिया हिंदू भी केसा धारी जाता है केसा धारी सिख जाता है केसा धारी मुसलमान जाता है तो सारे केस बारा रखो कोई हिंदू नहीं कहना कोई मुसलमान नहीं कहना सारे सरदार जी कहके बुलाने शर्मा राम से टल्ले राम कहके कोई नहीं बुला किसी ने सो खालसा जी निशान किन्ने कौमां दे हुंदे है जिहड़ियां कौमां मर के अपने निशान नूं कायम रखना जानदियां होण निशान शिव दुआलिया उपर भी है निशान दूजे गुरु भरावान मंदिर उपर भी है किसी पर किंतू नहीं पर जो निशान सूत्रा ने बाणी ने दिता है यह नहीं कितने मिलेगा इस निशान के गुण धारण कर लिए कि ब्रह्म ज्ञान हो सकता है पर जो कितने मिले तो सुन के इतने छद जाए तो फिर पले तक नहीं जो कहना धारण करने कमाई करने लाभ होना है कलेक्टर निशान साहब बारे सतगुरु ने बड़िया भारी कुर्बानियां कीतियां खालसा जी निशान साहब का जरा खड़ा है यह सारे तो उच्चा बनाया जाता है धरती तो रख के नीए भी तो लख जिन्होंने मोढ़े जिन्हें उच्चा बनाई गए और निशान साहब उच्चे खड़े तो यह सिक्ख्या लैनी है कि भाई वखरे रहने जगला खालसा रहे न्यारा है तबला तेज जी और मैं सारा जागे गया बिपन की रीत है मैं ना करूं इनकी प्रतीत ये निशान साहब के खड़े तो गुण धारण करना है कि जरा बसंती रंग किया खड़ेगा उसे तो सिक्ख्या लैनी है कि दुनिया वालों मर के मोह तोड़ के इस निशान साहब जो है सेवादार बनी पुजारी बनी अपनी बनया जाता
ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਨਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਨੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰੇਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੀੜਾਈਆਂ ਪਾੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰੋਕੀ ਲੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਰੋਕੀ ਗੰਢ ਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਲੱਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰ ਵੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੂਪੀ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਚ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਦੀਸ਼ਾ ਸੰਗ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ, ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਰਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲਵਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਸ ਪਾਸ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੰਗਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ, ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਢੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧੁੱਲਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੁੱਬੋ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। 20 ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਮਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ 20 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਸੌਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾ ਕੇ ਪੇਟਾਂ ਧੁੱਪੋ ਚ ਖਾਧੀ ਚਕੇੜਾ ਖਾਧ ਲਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਰ ਬਾਇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਦਿ ਯਤਨੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੋ ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੌਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੌਹਾਂ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੂਹ ਗਊਆਂ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਾਂ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਦਲ ਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਇਸੇ ਕੋਈ ਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਹ ਕਾਲ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਈਨ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਤੇ ਹੋ, ਹਾਕਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਸੋਦਰ ਕੈਸੇ ਸੋਦਿਆ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਆਇਸ਼ ਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਵਾਹਵਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ,
ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਰੀਚ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਸੋ ਮਤਰੇਲ ਮਾਕ ਕਈ ਨੇ ਬਨੋ ਬਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਭੈਣ ਸੂਰਮਾ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਜੱਤ ਸਾਤ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਚਤਾ ਕਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਸੂਰਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਸਵੈਨ ਕਿਰੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਤਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੀਤਾ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ, ਸਵਿੰਗ ਦਾ ਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰੀਚ ਨੂੰ ਕੁਟੀਆ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਗਏ, ਮਗਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਭਿੱਖਿਆ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਿੱਖਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਾਈ, ਲਕੀਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਵਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਟਾਊ ਨੇ ਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਗਨ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਖੰਭ ਸਾੜੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਰ ਚਲ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਛ ਨੂੰ ਰੂਮ ਲਵਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਂਕਾ ਦੇ ਗੁੰਮ ਨਿਕਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੀ ਉਸ ਦਾੜੀ ਖੋਜੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਂਕਾ ਦਾ ਤੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਿੱਖ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਲਕੀਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਸੰਦਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੰਜ ਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਿੱਤਰ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਖਮੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਕੀਰ ਆ ਖੰਡੋ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਰੱਖੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਜਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਰੋਕੀ ਲਕੀਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਦਰੋਕੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਰੋਕੇ ਰਾਵਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗਰੂਕੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪੀ ਮੁੰਦਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਈਸ਼ਰ ਰੋਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਦ ਰੋਕੀ ਸੀਤਾ ਕਾਲ ਰੋਕੇ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਛੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਰੋਕੇ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਛੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪੁਰੀ ਪਜਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 1500 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤ 100 ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਛਕਦਾ ਜਿਗਦੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮਾਇਆ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਾੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਦੀ ਸੋਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਆ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੁਣ CBI ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਡਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਟੀ ਫੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਢੰਡਰੋਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ CBI ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਢਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਰਾਕਾਂ ਨਿਵਾਸੀਓ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜੀਵੇ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜੁੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹੋਗੇ ਗੇਂਦ ਵਰਗੀ ਰਹਿ ਗੇਂਦ ਵਰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਉੱਠੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ
एक महीना जाए तो सीबीआई वाले जाके अड्डे ला लो, कोई ऐसा ना हो रहा कोई एक महीना जाए तो सीबीआई वाले जाके अड्डे ला लो। उसको पहले बात तो क्या करना, हमारी माई गुरु का बुजुर्ग माई है, इन्होंने चीजों का ध्यान तुम देना पैना। दिल्ली निवासी संगत ने जो कोई हरकत होंगी है तो सू सारे साह सार होते पर टेस्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए कारण की है। हाँ जो तुम किसी ने देखा उन्हें तो गल करो, जो तुम भिंडर वाले तो शक है भी उन्होंने घरे जाके मनाया होगा, मैं मारे ताबे बैठ के मनार के कई मैंने फट के पूछो भी किसी ने मनाया कि नहीं मनाया, मेरे को हैगा तो मेरे को ले लो। मैं तो पूछ गछ मेरे को तू गल करी कि मैं इंग्लिश में सुनना बोलागा, तो मैं अगर ही तुम सुना चाहे अभी भी कहना है बोलागा जरूर जो मैंने मिल जाते हो, जो समय में याद मिलती तो हर हाल तोड़ना तो सुनना भी तुम देना पैना दिल्ली वाले ने। मैंने कहीं ने पूछा भी तू तोलेगा क्यों, मैं तुम अगर दस चुका तो मंगला चाहे गुरुद्वारे रिचा पता है किसी उसे बेनती कर चुकी है, वो तोलन बारे मतलब नहीं कि कोई किसी बंदे को मारा करके तोड़ना है, और इस वास्ते तोड़ना है गुरबचन ने 500 रुपया अपने चेलों घर भेजा कि मैंने सिंह ने खून पीता से मधारियों का, जो 16 गुरु के सिखा ने अपनी माता की कुख में भाग लाद्या हो अपने माता भी चंगा हो दिन सफरिया करने वास्ते देश कौम की रोजी अंख नीजी हुई मुछ नचेरिया करने वास्ते और गुरबचन के घरे पहुंच के धन तो रख के बोलता ने वक्त नहीं जी रात को प्रवोक में भेजा है, सिखा का कोई काम नहीं बनता नहीं सेवा करनी सोने ना कुछ नहीं मांगे, जो अखबार मुताबिक ना होता है पर जो गवर्नमेंट कहे कि उसने किया है तो मैं बेनती करांगा कल सोई मांगी मेरी कीमत करनी जिन्हें आप बैठे अपना सिर वध के लिए मेरे पैरों च रख लिए तो आप दे नहीं दे सकते। सुस पा दते हैं तो जो घरे जाए निकाल देने उन्होंने पूछो घर वाले कि मनवाए गए हैं जा मैं उन्होंने की दे के आए हैं, एक बेचारी बुद्ध माता है उन्होंने जाके मिल आए हैं पर चेले जाके अगर ला पाए तो जेड़ा लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप में अगर एस एस पी भट्टी चंदू ने तो डी आई मानक गंगू जी ने पटियाले वाले ने उन्होंने वाले तो मूह नहीं करते उन्होंने सुटेने का पहला लाया है, तो जोड़ी एक बेचारी गरीब ने टूटे हुए घर में अगर गुजारा कर रही है और अगर पहला ला दिता सेंटर में पहले उन्होंने पूछे हो जो तुम्हें जनानिया तो डर आई जाता जनानिया के पहले लाने मरदों का तुम्हें की कर देंगे इन्नी की तारीख है। सो खालसा जी सिक्खी वाले पास ध्यान दो, सो यह लकीर दो औरंगजेब करेगी करनी मेरे रूप की लकीर कराना है